दोस्तों स्वामी मी 11 लाइट स्मार्टफोन की कीमत और रेडर्स और स्पेसिफिकेशन लंच से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गए हैं। माना जा रहा है कि यह फोन 29 मार्च को लॉन्च किया जाएगा और स्वामी ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो 29 मार्च को एक इनवेट का आयोजन करने वाली है जिसमें मी 11 अल्ट्रा और मी 11 प्रो स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये दोनों स्मार्टफोन में मी 11 लाइट भी पेश किया जा सकता है और इस फोन में 4G और 5G दोनों वेरिएंटेड आ सकते हैं जो कि ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप और सेल्फी कैमरा से लेंस होने वाला है। वहीं अगर देखा जाए कैमरा के लिए होल पंच कटआउट डिस्प्ले से लेंस होगा और मी 11 लाइट में 3 कलर ऑप्शन पेश किया जा सकते हैं। अगर देखा जाए मी 11 लाइट अगर इसका प्राइस है तो एक रिपोर्ट के अनुसार मी 11 लाइट के 4G वेरिएंटेड की कीमत यानी 24,000 रुपये हो सकते हैं जिसमें फ़ोन का 64GB स्टोरेज वेरिएंटेड मिलेगा। इसके अलावा फ़ोन के 128GB स्टोरेज वेरिएंटेड की कीमत लगभग 28,300 रुपये हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ फ़ोन का 5G वेरिएंटेड 128GB इसमें जो है स्टोरेज 2 रैम का जो है कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ सकता है जिसकी कीमत 34,300 रुपये हो सकते हैं। वहीं मी 11 लाइट 4G अगर देखा जाए फ़ोन का जो है बोवा ब्लैक और बबलगम ब्लू और पिंच पिंक कलर ऑप्शन के साथ आ सकता है जबकि 5G वेरिएंट ट्रिपल ब्लैक और स्ट्रिस येलो और मिंट ग्रीन के साथ जो है दस्तक दे सकती है। तो दोस्तों ऐसे में ये स्मार्टफोन जो है रिपोर्ट में साझा किया गया कि रेंडर के अनुसार मी 11 लाइट में ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है जिसके अलावा फ़ोन 3 कलर ऑप्शन में आ जाएगा जो कि पिछले हफ्ते टिप्सर द्वारा साझा किए गए रेंडर से मैच खाते हैं। वहीं एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 11 लाइट के रेंडर्स में फ़ोन को सभी एंगल्स को देखा जा सकता है और जिसमें पता चलता है कि फ़ोन USB टाइप सी पोर्ट के साथ दस्तक दे सकती है। वहीं एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मी 11 लाइट का 4G वर्जन जो है स्नैपड्रैगन 732 प्री प्रोसेसर से लेंस हो जाएगा जबकि 5G वेरिएंट स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ आ जाएगा। यह फ़ोन एंड्रॉयड 11 आधारित जो है इसमें काम करने वाले फ़ोन में 55 इंच का फुल HD जो इसमें AMOLED डिस्प्ले के साथ 90Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाले हैं। ये फ़ोन ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप के साथ दस्तक दे सकता है जिसका प्राइमरी कैमरा 64MP का होगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 MP का मैक्रो कैमरा होगा और मी 11 लाइट में 20MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि फ़ोन में 4250 mAh की बैटरी मिलेगी जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। स्वामी ने फिलहाल यह पुष्टि नहीं की है कि 29 मार्च को अल्ट्रा और प्रो वेरिएंट के साथ ही मी 11 का लाइट वर्जन भी पेश किया जाएगा या फिर नहीं, पर एक रिपोर्ट कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आ चुका है और ऐसे में अब बहुत देर नहीं कि मी 11 लाइट स्मार्टफोन की बहुत जल्द लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट कीजिए और ऐसे ही स्मार्टफोन लंच से पहले जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कोई भी स्मार्टफोन को लंच होने से पहले ही रिलीज़ होने से पहले ही मैं आपको जानकारी दूं और हमें एक आप सपोर्ट करते रहें और ऐसे आप जो है हमारे चैनल पर बने रहें तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद भारत। वंदे मातरम। धन्यवाद।